कपड़वन सेशन कोर्ट नो ऐतिहासिक चुकादो जाहिर। निर्माली सीम विस्तार में महिला पर थयेला गैंगरेप नो चुकादो जाहिर थयो छे। अपहरण गैंगरेप अने हत्या केस में त्रण दुष्कर्मियों ने सजाए मौत नो ऐलान। कोर्टे आरोपियों ने अलग अलग कलम हेठळ मौत नी सजा फटकारी छे। कपड़वंज कोर्ट नो ऐतिहासिक चुकादो दुष्कर्मियों ने सजाए मौत नो ऐलान। खेड़ा जिला ना कपड़वंज तालुका ना निर्माली वर्ष 2018 में नोधायेल सामूहिक दुष्कर्म अने हत्याना केस में त्रण आरोपियों ने दोषी ठेरवी कोर्टे फांसी की सजा फटकारी छे। आरोपीए परिणीता नु अपहरण कर्या बाद सामूहिक दुष्कर्म गुजारी हत्या करी नाखी हती। आ मामलो कपड़वंज कोर्ट में चाली जता कोर्टे आजे ऐतिहासिक चुकादो आप्यो हतो। दुष्कर्म अने हत्याना केस में एक साथे त्रण आरोपियों ने राज्य में प्रथमवार फांसी की सजा फटकारवामां आवी छे। वर्ष 2018 में कपड़वंजना निर्माली में गोपी उर्फ बला गिरीशभाई देवी पूजक, जयंती बबाभाई वादी अने लाला उर्फ कंकुड़ियो रमेश भाई वादी परणीता पर दुष्कर्म गुजारी हत्या निपजावी हती अने पुरावानो नाश करवा माटे लाशने फेंकी दीधी हती। कपड़वंज कोर्ट में सरकारी वकील मिनेश पटेले 26 लोकोनी जुबानी अने 45 दस्तावेजी पुरावा रजू कर्या हता। एडी डिस्ट्रिक्ट जज वीपी अग्रवाले आ मामले ऐतिहासिक चुकादो आप्यो हतो। आरोपीओ जेमा गोपी उर्फ भला गिरीशभाई देवी पूजक, रहे जोरामा मोटीर तालुका कपड़वन जिल्लो खेड़ा, जयंती बबाभाई वादी रहे इंदिरा नगरी सिहोरा जिल्लो खेड़ा, लाला उर्फ कंकुड़ियो रमेश भाई वादी रहे इंदिरा नगरी सिहोरा तालुका कपड़वंज नाओ ने फांसी की सजा आपवामां आवी छे। आजनो जे चुकादो छे, चुकादानी टूंकी हकीकत आपने जणावुं तो तारीख 28/10/2018 ना रोज मोटी झेर चौकड़ी थी निर्माली सीम सुधी आरोपी जयंतीभाई बाबाभाई वादी ने लालाभाई उर्फे कंकुड़ियो रमेशभाई वादी जे बने सिहोरा तालुको कपड़वंजना वतनी हता, तेओ बाइक लईने क्यांथी जता हता। ते वखते भोग बननारने लिफ्ट आपी त्यांथी बेसाड़ी अपहरण करीने लई गईला। त्यारबाद निर्माली सीमा एक खेतर में तेने लई गया, त्या बन्ने आरोपी जयंतीभाई अने लालाभाई तेनी साथे सामूहिक बलात्कार करेलो। त्यारबाद आरोपी नंबर एक जे गोपी देवी पूजक छे, जे मोटी झेर तालुको कपड़वंजनो रहीश छे, ते त्यां आवेलो। आ बन्ने लोकोने त्यां मळेलो अने एने कह्युं के आज अमे जे बेनने लाया छो ए मारा सगा थाय छे। ए लोकोए एने पण जणाव्युं के तू पण आनी साथे संभोग कर, एटले अने त्यां आनी साथे संभोग कर्यो। त्यारबाद त्रणेय जणाए आ बन साथे बलात्कार गैंगरेप कर्यो। त्यारबाद आ बन त्रणेय जणाए भेगा थई भोग पन्नाना गळा ऊपर पग मूक्यो, तेमज तेने गळું દબાવ્યું, ભોગ બંડારને નગ્ન હાલતમાં કરી અને એની સાડીથી ભોગ બંડારનું ગળું દબાવી એનું મોત નિપજાવ્યું। ભોગ બંડારના ગળા ઉપર અને છાતી ઉપર તેને આશરે બનાવ સ્થળ ઉપર ખૂબ મોટા ઘેરાવમાં તેને ઘસડેલી અને એનું મોત નિપજાવેલું, એટલે લગભગ 40થી વધુ ઈજાઓ તેના શરીર ઉપર આવી હતી, તેમજ ગુપ્ત ભાગના ભાગે અને શરીરના અન્ય ભાગે પણ ઘણી મોટી ઈજાઓ જણાયેલી, જે પીએમ કરના ડૉક્ટરશ્રીએ તેના પુરાવામાં નામદાર કોર્ટને જુબાની દરમિયાન જણાવેલી। આ કામે સરકારશ્રી તરફથી કુલ 26 જેટલા મૌખિક પુરાવા અને 46થી વધુ દસ્તાવેજી પુરાવા રજૂ કરેલા, જેની અંદર ડોગ સ્કવોડનો પુરાવો, મેડિકલ એવિડન્સ, ફોરેન્સિક વિભાગ, ડીએનએ વિભાગના અધિકારીઓ સહિત નજરે 164ના જે તપાસ કરતા અધિકારીએ નિવેદનો લીધેલા ભલાભાઈ દેવી પૂજક, જયંતી બાબાભાઈ વાદી અને લાલાભાઈ રમેશભાઈ વાદીનાઓને નામદાર કોર્ટે ઇપીકો કલમ 201 અને 114 કે જે પુરાવાનો નાશ કરવો અને મદદગારી કરવાની કલમ છે, તે બંને ગુનામાં 3 વર્ષની સખત કેદની સજા અને ₹5,000નો દંડ ફટકારેલો છે। જો દંડ ન ભરે તો વધુ 3 માસની સજાનો પણ હુકમ કરેલો છે। 366ના ગુનામાં 5 વર્ષની સખત કેદની સજા અને ₹5,000નો દંડ અને દંડ ન ભરે
तो वधु 3 मासनी सजानो पण हुकम कर्यो छे। त्यारबाद 376 डी ना बलात्कार ना गुना में आरोपी ने आजीवन कैद की सजा तथा 10,000 रुपया दंड और दंड न भरे तो वधु 6 मासनी सजानो पण हुकम कर्यो छे। त्यारबाद 302 ना गुना में प्रत्येक दरेक आरोपी ने नामदार कोर्टे फांसी एटले के मृत्युदंडनो हुकम आज रोज फरमायेलो छे। तमाम आरोपी ने वॉरंट भरी अने जुडिशियल कस्टडी में थी मोकली दीधा छे। आ कामे आज ऐतिहासिक फैसलो आप्यो छे जे त्रणेय आरोपी ने फांसीनी मृत्युदंडनी जे सजा करी छे ये सजा नामदार कपड़न सेशन्स कोर्टना जज श्री वीपी अग्रवाल साहेबे सजा करेली छे। कुल आरोपी ने प्रत्येक आरोपी ने 30,000 रुपया दंड तेमज आज भोग बननार छे जेनु बलात्कार बाद बलात्कार करी मृत्यु निपजायेलू ए परिवार ने विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम हेठ 2,00,000 रुपया चुकवानो पण सेशन जज श्री वीपी अग्रवाल साहेबे आज रोज हुकम करेलो छे।